Good morning, dosto. Welcome back to another video from last 45 days. I was not able to post any videos and I am really sorry about that. But once again, मैं आ गया हूँ एक और नया प्रोजेक्ट अपडेट के साथ. और इस बार हम एक बार फिर से देखने वाले हैं रायपुर वाइजैग एक्सप्रेस वे. कल मैंने पहले भी आपको रायपुर वाइजैग एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट अपडेट दिया है. छत्तीसगढ़ के पैकेज 1 एंड 2 एंड उड़ीसा के पैकेज 1 को हम ऑलरेडी देख चुके हैं. मैंने सोचा इस बार आपको पैकेज 3 का अपडेट देते हैं, वो भी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में टोटल 3 ही पैकेज हैं. 2 का अपडेट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो बचा पैकेज 3. हमने सोचा कि उन्हें पैकेज 3 को एक्सप्लोर करते हैं. रायपुर वाजे एक्सप्रेस वे के पैकेज 3 की बात करें, ये पैकेज बसनवाही विलेज से स्टार्ट हो गए उड़ीसा के बॉर्डर तक जाता है और वहाँ से उड़ीसा का पैकेज 1 स्टार्ट होता है. इस एरिया का पूरा लेंथ है दोस्तों सिर्फ 24 किलोमीटर का. अगर मैं किलोमीटर्स की बात करूं तो 99.500 to 124.661 ये किलोमीटर रेंज होने वाला है. और 124.661 लास्ट पॉइंट है जहां पे छत्तीसगढ़ का बॉर्डर आता है. बट काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद हमें इस पैकेज में कुछ भी नहीं मिला, अनफॉर्चुनेटली. मैंने सोचा इतने दूर पहुँच गए हैं तो क्यों ना आपको पैकेज 3 के आगे उड़ीसा के पैकेज 1 का ही अपडेट दिया जाए, क्योंकि उड़ीसा के पैकेज 1 का भी अपडेट दिए हमें पूरे 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं. इसलिए हमने सोचा कि जब यहाँ तक हम आ गए हैं तो यही पैकेज आपको दिखाते हैं. अनफॉर्चुनेटली पैकेज 3 में कोई भी काम नहीं हुआ है, अदर देन थोड़ी बहुत मार्किंग आपको दिखती है. इसके अलावा मेजोरिटी जो एरिया है वो जंगल के बीच से क्रॉस होने वाला है, काफ़ी सारे पहाड़ बीच में आने वाले हैं. और आई डोंट नो कि ये काम किसी को अनाउंस हुआ भी है या नहीं, ये करंटली मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके रिलेटेड. फ्यूचर में जब भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे. तो चलिए फटाफट देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के पैकेज 1 में कितना काम हुआ है. और अगर मैं 5 महीने पहले दिए गए प्रोजेक्ट अपडेट से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा. रीज़न बहुत बड़ा है क्योंकि इन बिटवीन रेनी सीज़न था, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी हर जगह पे, और ज़्यादा बारिश में ऑब्वियसली बात है यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिस वजह से ज़्यादा प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिलेगा. बट करंटली ग्रीनरी आप देखिए और इमेजिन कर सकते हैं जब ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो जाएगा तो इस जगह से क्रॉस करने वालों को कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है. तो ये छोटा सा वीडियो उम्मीद करते हैं आपको आया होगा पसंद. छत्तीसगढ़ के पैकेज 1 को आप एक बार फिर से देख लीजिए. अगले इस एरिया का अगला प्रोजेक्ट अपडेट हम आपको दिखाएंगे बहुत जल्दी. और अगर आप उड़ीसा के बाकी पैकेज का भी इसी तरीके से ड्रोन शॉट देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा. बहुत जल्दी हम आपको पैकेज 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन आगे जो भी पैकेजेस होंगे उनका प्रोजेक्ट अपडेट बहुत जल्दी हम आपको दिखाने वाले हैं. पहले ये पैकेज शूट करने के बाद हमने सोचा क्यों ना छत्तीसगढ़ में पैकेज 2 को भी शूट कर लिया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने पैकेज 2 को शूट किया था तब काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था. अंधेरे में काफ़ी कुछ दिखता नहीं है क्लियर और ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी. तो हमने पैकेज 2 को भी शूट किया बट वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे. उड़ीसा के पैकेज 1 की बात करें तो इस पैकेज को कंस्ट्रक्ट कर रही है NKC प्रोजेक्ट्स और काम ज़्यादा हुआ नहीं है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ तक पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अभी. उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको आया होगा पसंद. वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए एंड हैव अ गुड डे.